आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम बिहार का, तो रुक करते हैं बिहार की पहली खबर की ओर, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के घर से 300 करोड़ रुपए नकदी बरामद होने पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सहरसा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि मोहब्बत की दुकान फ्रेंचाइजी के घर से सैकड़ों करोड़ रुपए नकदी बरामद होना यह साबित करता है कि कांग्रेस शुरू से ही भ्रष्टाचार के कारनामे में लिप है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के एटीएम बन गई है। ज्वलंत विषय, भ्रष्टाचार के विषय पर यह प्रेस वार्ता रखा गया है। आप सब लोगों को पता है कि झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी, जिनके व्यापारिक समूह पर तीन राज्यों में जो 6 दिसंबर से लगातार आईटी का रेड चल रहा है, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपये अभी तक इस रेड में पकड़ा चुका है, आगे भी गिनती चल रही है, कई मशीन खराब हो चुका है, बड़ी बड़ी लोटों को गिनती के लिए मशीन मंगाया गया है और लगातार गिनती जारी है। मधेपुरा के पूर्व पार्षद और पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी नगर परिषद मधेपुरा सह मधेपुरा विकास मंच के संयोजक कुमारी विनीता भारती ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्व वार्ड पार्षद सह चेयरमैन प्रत्याशी मधेपुरा कुमारी विनीता भारती ने कहा कि 22 जनवरी को मधेपुरा में विशाल आक्रोश मार्च सह महाधरना का आयोजन होगा। देखिए, सबसे पहले सभी आज मैं प्रेस वार्ता बुलाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी उपस्थित हुए हैं, खास करके मेरे अभिभावक गण भी हैं, तो सबों के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूं। और आज का प्रेस वार्ता बुलाने का मेन मकसद यही है कि आप देखे होंगे कि नगर परिषद चुनाव को विगत 1 साल होने के लिए चला है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई एक काम भी धरातल पर है। और मधेपुरा की महान जनता जिस तरह अपना कीमती बहुमूल्य मत देकर के एक मुख्य पार्षद को चुना और अपार मतों से मुझे भी एक मजबूत विपक्ष में लाकर खड़ा किया, तो मैं तो आवाज़ उठाती ही हूँ और उठाती ही रहूँगी। सहरसा के बैजनाथपुर ओपी प्रभारी पर रेड करने के दौरान ग्रामीणों ने घेर कर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में ओपी प्रभारी सहित एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया है। दोनों जख्मी पुलिस कर्मियों के सिर में चोट लगी है। घटना की सूचना मिलते ही सहरसा के सदर SDPO संतोष कुमार, DSP एजाज हाफिज मनी बैजनाथपुर ओपी ने मौके पर पहुंच कर दोनों जख्मी पुलिस कर्मी को सहरसा के निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया, जहाँ दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। बता दें कि घटना सहरसा जिले के बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के खजूरी गांव की बताई जा रही है। बिहार के मोतिहारी जिले का मामला सामने आया है, जहां पताही थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर अलाव ताप रहे एक शख्स की हत्या कर दी। मृतक की पहचान गोनाही गांव निवासी अविनाश कुमार उर्फ ननकू सिंह के रूप में हुई है। मृतक ननकू सिंह कुख्यात अपराधी था और वह लगभग 1 साल पूर्व जेल से जमानत पर बाहर आया था और घर पर ही रह रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से गोली के 5 खोखे बरामद किए हैं। जहां आजकल ऑनलाइन ठगी का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसी के लिए साइबर ठग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां एक अधेड़ को सात समुंदर पार प्रेम करना महंगा पड़ गया। उसे प्रेम के अलावा केवल धोखा ही नहीं मिला बल्कि 25,000 रुपए भी गंवा दिए हैं। बता दें कि UK की युवती ने इस शख्स को अपने प्रेम जाल में फंसा कर 25,000 रुपए ठग लिए हैं। वहीं ठगी का शिकार हुए पीड़ित ने थाने में शिकायत देकर की गुहार लगाई है।
बिहार के नालंदा जिले में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां सारे थाना क्षेत्र इलाके में औंदा गांव के निवासी साहू चौधरी ने अपनी 16 वर्षीय बेटी बबली कुमारी की हत्या करके शव को दफना दिया। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने लड़की का शव बरामद कर लिया है। इस घटना को अंजाम देने के बाद मृतक का भाई और पिता फरार बताए जा रहे हैं। वहीं मृतक के माँ से पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि मृतका बबली कुमारी का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी युवती के परिजनों को लग गई थी। युवती का प्रेम प्रसंग परिजनों को नागवार गुजरा, जिसके बाद परिजनों ने युवती की हत्या कर उसके शव को खेत में ले जाकर दफना दिया। रोहतास पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। रोहतास पुलिस ने टॉप 10 की दूसरी सूची में शामिल लूट और हत्या के एक अपराधी को पुलिस ने डेहरी से गिरफ्तार किया है। एसपी विनीत कुमार ने बताया कि शिवसागर इलाके के किरहिड़ी मोड़ के पास बीते 18 मार्च को एक कोयला लदे ट्रक के लूट के क्रम में अपराधियों ने ट्रक चालक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अज्ञात एक फरार अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूर्व में मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे रोहतास में बिहार पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में और एसटीएफ के सहयोग से जिले में टॉप 10 और टॉप 20 क्रिमिनल्स के विरुद्ध में एक अलग अभियान चलाया जा रहा है। जो हम लोगों ने टॉप 10 क्रिमिनल्स की पहली सूची जारी की थी, उसमें हम लोगों ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति बचे हुए हैं जिनकी तलाश जारी है, बहुत जल्द हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे। टॉप 20 में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, एक व्यक्ति बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। क्योंकि टॉप 10 और टॉप 20 की लिस्ट हम लोगों की लगभग समाप्त हो गई थी, ऐसे में हम लोगों ने नए टॉप 10 की लिस्ट को जारी किया। पुलिस मुख्यालय से इसका अनुमोदन मिला और हमारी टीम इसके ऊपर काम करने में लग गई। इसके पीछे हमारी जो तकनीकी सेल है, हमारे जो थाना प्रभारी शिव सागर हैं, उनके द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर इसमें पहली सफलता हम लोगों को नए टॉप 10 में मिली है। हम उसमें बताना चाहेंगे कि शिवसागर थाना के अंतर्गत 18 मार्च इसी साल की बात है 2023 को किरंडी मोड़ के पास एक ट्रक में अज्ञात शव लवारिस हालत में मिला था। और उस समय पर ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था, पता नहीं था कि किनका शव है। और शिवसागर थाना कांड संख्या 125-23 ये दर्ज किया गया था और ये कोयला लदा हुआ ट्रक था। कोयले को लूट लिया गया, चालक की हत्या कर दी गई, हत्या करके उसी ट्रक में उसको फेंका गया था। इस कांड को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। थानाध्यक्ष शिवसागर के द्वारा जो है इसमें टीम का भी गठन किया गया था। तत्कालीन एसडीपीओ भी इसमें काफी अच्छा काम किए थे। जगदीशपुर अनुमंडल अस्पताल में 2 नवजात बच्चों की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों ने इसको लेकर अनुमंडल प्रशासन को सूचना दी है कि लापरवाह डॉक्टर और नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर SDM संजीत कुमार, SDPO राजीव चंद्र सिंह और BDO राजेश कुमार स्थानीय पुलिस दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे और वहां पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। SDM संजीत कुमार ने आश्वासन दिया कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी जिले के नेशनल हाईवे डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के तेज रफ्तार से आ रही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। वहीं इस घटना में कई यात्री घायल हो गए। गोपालगंज में मोतिहारी के लिए आ रही बस में लगभग 40 से 45 लोग सवार थे। इसी बीच डुमरिया घाट के करीब एक व्यक्ति अचानक रोड पार करने लगा, इससे बस अचानक चालक संतुलन खो दिया, जिससे बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। वहीं इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। बस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। बस में से घायल यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज एक दुखद घटना हुई, जैसा कि आपने सुना कि एक बस जो गोपालगंज से मोतिहारी जा रही थी, जिसका ड्राइवर वो सरोतर के पास धनगढ़ा चौक से थोड़ा सा आगे आकस्मिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और यहाँ के सभी ग्रामीणों के साथ हम लोग पूरे प्रशासन के लोग, आप देख रहे होंगे SDPO साहब हैं, DCLR साहब हैं, CO साहब हैं, BDO साहब हैं, सभी ने मिल के प्रयास किया और थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बगल में जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ भर्ती कराया और फर्स्ट एड कराने के बाद हम लोगों ने सदर अस्पताल, जो जिला पदाधिकारी महोदय लगातार सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं,
वहाँ सबको भर्ती कर। मैं आ रहा था जो है गोपालगंज से मोतिहारी। हाँ, एग्जाम दिला के सिस्टर को जो है बीपीएससी का एग्जाम दिला दिए हैं। हाँ, एग्जाम हो गया तो वहाँ से रिटर्न हो गए थे। अच्छा। क्योंकि कल एक पेपर जो है यहाँ पे है बीपीएससी का ही। अच्छा। मोतिहारी में। अच्छा। इसलिए जो हम लोग यहाँ पे आ रहे थे वापस। अच्छा, घटना अचानक कैसे हो गई है? अचानक मतलब ये था कि जैसे हमको लग रहा है कि ड्राइवर के सामने या कुछ, हाँ कुछ जो है एकाएक कोई ऑब्जेक्ट उनको हुआ है और उसको जो है कवर करने में वो स्लिप किया है पूरा, जो है मतलब स्कैट करके ऊपर चढ़ाया है जो डिवाइडर पे, उसके बाद वो स्लिप कर गई है पूरी जो है। नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक अनियंत्रित मारुति ने कुल चार लोगों को रौंद दिया, जिसमें दो व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जबकि दो अन्य महिला सहित बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस मारुति को जब्त कर लिया है और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों ने बेटा सरमेरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। एक्सीडेंट में फोर व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर? बड़ी मलाम। अच्छा, क्या कर रहे थे आप लोग? ये गोबर ठोक रहा था, वो दोनों बैठा हुआ था गुमटी के अंदर। अच्छा, गाड़ी ठोक दिया? गाड़ी मतलब ठोक दिया। अच्छा, गाड़ी पकड़ाया कि भाग गया? नहीं, गाड़ी तो उसी जगह रह गया, गाड़ी जाने लायक है ये नहीं है। अच्छा। गाड़ी में नदी में कूद गया। मौत भी हुआ है? दो को मौत हो गया। किसका? दो जेंट्स है। अच्छा। और एक लेडीज के जख्मी, एक बच्चा जख्मी। बिहार सरकार के द्वारा अंतरजातीय विवाह मामले में प्रोत्साहन राशि देकर बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर सहरसा कायस्थ टोला निवासी अम्रपाली सिन्हा ने अंतरजातीय शादी मामले में जाति सूचक अपमान करने के बावजूद न्याय के लिए दर दर भटक रही है। हैरानी की बात तो यह है कि थाना पुलिस को आवेदन देने के बावजूद भी अब तक कोई नहीं की जा रही है। पीड़ित विवाहित महिला ने डीआईजी को आवेदन सौंप कर नामित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामला असल में जाति सूचक मामला है, जबकि मैं एससीएस से आती हूँ और घर के लोग जो है ससुराल के, जैसे कि मेरे देवर है, जैसे मेरे ससुर है, सास है, ससुर के भाई जो है रणधीर सिन्हा जो कोर्ट में वकील भी है, और उनके बेटे आशीष सिन्हा जो है वो भी हाई कोर्ट के वकील है, और अर्पित सिन्हा जो आशीष का ही भाई है वो भी देवर ही है मेरे, जो कि मेयर के लिए अभी खड़े हुए थे, जबकि हार गए हैं। कि सब लोग जो है मुझे जाति सूचक गाली देते रहते हैं, नीच जात के बोलते हैं। अंतरजातीय शादी हुई है आपकी? आपकी अंतरजातीय शादी हुई? टॉर्चर किया जाता है और 4 साल से टॉर्चर किया जाता है, और 4 साल से हम आवाज़ भी उठा रहे, ऐसा नहीं है, अपने लिए लड़ रहे, समझाया बुझाया भी नहीं समझते थे। असल लास्ट में मैंने न्यायालय में केस दर्ज कर दिया है, अब उसको वापस लेने के लिए मुझे टॉर्चर किया जाता है, जैसे मुझे घर में ठीक से रहने नहीं दिया जाता है, मैं कैमरे लगाती हूँ अपने सेफ्टी के लिए, वो कैमरे तोड़े जाते हैं, कैमरे तोड़ने के बाद मुझे आशीष सिन्हा आके गाली देता है, अर्पित सिन्हा बोलता है छोटी जात की है। फिलहाल बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।